उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते 7 और 8 जुलाई को आई भीषण बाढ़ आपदा के बाद अभी तक प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने से आक्रोशित लोगों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट का घेराव किया। आपदा से खटीमा के लोगों का भारी नुकसान हुआ, जिसको जल्द से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने पर लोगों का गुस्सा फूटा। वहीं उन्होंने बताया कि बाढ़ आपदा से पूरा खटीमा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इसी के चलते खटीमा क्षेत्र को बाढ़ आपदा क्षेत्र घोषित किया गया था। क्षेत्रीय समाज सेवी विनोद जोशी ने बाढ़ आपदा से क्षेत्र में हुए भारी नुकसान के बारे में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों के घरों में जलभराव के कारण खासा नुकसान हो चुका है। इस दौरान उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो पात्र व्यक्ति थे उन्हें सहायता राशि दे दिया गया है, बाकी कुछ लोग पात्र होंगे तो उनका आंकलन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो दोनों अलग प्रॉब्लम है। पहले गोटिया में बैठे हैं सर, वार्ड नंबर 3 में बैठे हैं, अलग चीज है ना सर। ये सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप कहो, मैं आपकी कसम मैंने भी ले ली है। समाज में समाज तो एक जैसा ही है। वजह ये है कि जब खटीमा में बाढ़ की स्थिति हुई थी तो खटीमा में सभी को पता है किस तरह से बाढ़ आई और किस प्रकार से लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों के घरों का सामान बह गया, जो जानवर पाल रखे थे उनका चारा आरा सब बह गया, सारी चीजें हमारी खराब हो गई हैं। सीएम साहब ने खटीमा को बाढ़ घोषित क्षेत्र घोषित किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं हर घर तक जो है आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। इनके कहने के बावजूद भी आज तक खटीमा में 75% जनता को बाढ़ राहत का पैसा नहीं पहुँचा है। अभी लोग आ रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तहसील में आते हैं, लगातार एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो है आपका मिलेगा, चेक मिलेगा, राहत उसका मिलेगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला है। लगातार यहाँ पर आने के बावजूद भी इनके समझाने के बाद पब्लिक चले जाती है, लेकिन अभी भी चेक बांट रहे हैं। या तो चेक जो है बांटना बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और नहीं तो समान रूप से सबको चेक की राशि देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा करोड़ों रुपये की राशि खटीमा में जो है राहत कार्य के लिए दी गई है, और प्रशासन के द्वारा बार बार बताया भी जा रहा है कि हमने 12 करोड़ खर्च कर दिए, 25 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन आज भी आम जनता तक वो राहत का पैसा नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से आम जनता आक्रोशित और लगातार जो है यहाँ पर तहसील में प्रशासन का घेराव करते जा रही है, और प्रशासन के द्वारा उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर उन्होंने 25 करोड़ रुपये की राशि दी है तो वो राशि किसे दी है, कहाँ दी है। हमारा प्रशासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, निवेदन है कि इस विषय में जो है जांच कराई जाए कि वो पैसा कहाँ गया है, किन लोगों को मिला है, और अगर नहीं मिला है तो फिर इस प्रकार के आंकड़े जो है प्रशासन के सामने प्रशासन को नहीं देना चाहिए, और जनता को समान रूप से जो है राहत राशि मिलनी चाहिए। मेरा विनोद जोशी है। चेक वितरण का कार्य था, वो अहेतुक सहायता जो लोगों को तत्काल रूप से दी जाती है, लेकिन हमने इसको करीब करीब वाइंड अप हो चुका है हमारा, जित जो पात्र व्यक्ति थे उन लोगों को हमने दे दिया, लेकिन कुछ लोग आज ऐसे आ रहे हैं कि हमें नहीं मिला है। हम देखेंगे कि पात्रता की सूची में है कि नहीं, तभी उनको कुछ कार्रवाई की जाएगी।